गांव सैदपुरा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में घुसा बरसाती पानी, मची खलबली। बयाना गांव सैदपुरा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में सड़क व नाले में आया बारिश का भारी पानी उफन कर जब आज राजीव गांधी सेवा केंद्र में घुस गया तो सेवा केंद्र के कर्मचारियों सहित ग्रामीणों में भी खलबली मच गई, जिसे मौके पर पहुंची महिला सरपंच सुमन कुशवाह व पूर्व सरपंच हरप्रसाद कुशवाह ने अपने निजी खर्चे से मौके पर ही जेसीबी मशीन मंगवाकर राजीव गांधी सेवा केंद्र के सामने स्थित कचरे से भरे बड़े नाले की सफाई करवाकर बारिश के पानी की निकासी करवाई। तब जाकर राजीव गांधी सेवा केंद्र में भरा पानी निकल सका और ग्रामीणों व कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने बताया कि अगर आज नाले की सफाई नहीं कराई होती तो यह बरसाती पानी गांव के अन्य घरों में भी घुस जाता। उन्होंने सरपंच का आभार जताते हुए बताया कि चार दिनों से हो रही बारिश से सभी ग्रामीण परेशान हैं, खेत जलमग्न हो गए हैं, वहीं घरों की छतों से भी पानी टपकने लगा है। बारिश हुई है, बहुत ही भयंकर बारिश हुई है, जिससे हमारे आम रास्ते में जो अटल सेवा केंद्र है उसके सामने पानी भर गया और राहगीरों को इतनी परेशानी हो गई कि बाजार से अपना सामान लाने में वो असमर्थ थे। ना कोई मोटरसाइकिल लेकर पा रही थी ना कोई वो, तो बम्मा में क्या हुआ था, बम्मा में जो पौए होते हैं वो उसमें चले गए और बम्मा बंद हो गया। तो हमने जेसीबी मंगाकर अपनी निजी आय से, मैंने अपने खुद के खर्चे से और जेसीबी मंगाकर उसको साफ कराया और अब राहगीरों को बहुत ही खुशी हो रही है, उनके चेहरे पर वो है क्योंकि अब उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फेसबुक पर डाल दो।